कृष्ण के मुख से बोल रहे थे, मतलब कृष्ण को ऐसे ही आ गए स्त्री भगवान, जैसे भूत किसी के ऊपर आ जाता है। कृष्ण को भगवान नहीं मानते, बहुत अपराध, बहुत अपराध। जब कृष्ण बता रहे हैं मेरे जन्म कर्म जो भी हैं, कृष्ण है ना सब बता रहे हैं कि मैं हूं, तो वहां पर जो है ना कृष्ण को भगवान से अलग क्यों कर रहे हैं? इसलिए प्रभुपाद जी क्यों इस बात को इस बात पर जोर क्यों डाल रहे हैं कि हमारा दिमाग जो है दूषित हो चुका है मायावादी व्याख्याओं से, क्योंकि दूषित है हमारा दिमाग। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है, है? कृष्ण श्रीमद् भागवत में क्या गया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान, मतलब कृष्ण स्वयं भगवान है, मतलब किसी ने उनको भगवान बनाया नहीं। और बहुत से भगवान हैं जो कि बनाए गए हैं, वो बनाए जाते हैं भगवान, जैसे भगवान नारद, भगवान व्यास, भगवान वशिष्ठ, है ना, ऐसे बहुत से भगवान हैं, कहा गया उनको भगवान, लेकिन ये तो बनाए गए हैं। लेकिन कृष्ण को किसी ने भगवान नहीं बनाया, कृष्ण स्वयं भगवान, स्वयं भगवान। इसलिए कृष्ण क्या कहते हैं दसवें अध्याय में, यो मां मजम अनादिम चा वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ा समर्थेशु सर्व पापे प्रमोचिते। जो कृष्ण को मान ले, माम का मतलब मुझको यानी कृष्ण को, जो अर्जुन के सारथी हैं उनको, जो अजन्मा और अनादि समझ ले, वो सब पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवान अर्जुन का रथ चला रहे हैं, वही कृष्ण ही भगवान है, हैं? और कोई दूसरा व्यक्ति गीता नहीं बोल रहा है, अर्जुन के जो रथ को चला रहे हैं सारथी हैं वही भगवद गीता सुना रहे हैं, और वही सब देवताओं के स्वामी हैं, अजन्मा है, अनादि है, प्रकृति से परे परमेश्वर है। तो इस बात को समझना, ये जो है भक्ति वेदांत तात्पर्य है, ये भगवद गीता यथारूप है। इसलिए इस बात को हमारे दिमाग में प्रभुपाद जी बैठाना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहली बार श्री भगवान वाच आया, इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यहां पर श्री भगवान कोई दूसरे नहीं है, कौन है, अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण है ना, वही जिन्होंने मथुरा में जन्म लिया था, कारागार में जन्म लिया था, जिन्होंने कंस का वध किया था, वो भगवान है। आगे भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है, परम सत्य का बोध ज्ञान की तीन अवस्थाओं में होता है, ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी आत्मा, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत में समझाया गया है ब्रह्म परमात्मा और भगवान है? परम सत्य के तीन स्तर हैं। ब्रह्म को प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं, निर्विशेष सर्वव्यापी आत्मा, है ना, मतलब चेतना जो सब जगह व्याप्त है, चेतन शक्ति वो निर्विशेष है, तो वो सबसे पहला साक्षात्कार है परम सत्य का, जिसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है तो वो चेतन शक्ति को हर जगह देख सकता है, समझ सकता है, चेतन शक्ति है ना, लेकिन ये ज्ञान अधूरा है, इसके आगे परमात्मा का ज्ञान होता है, कोई योगी करते हैं तो सबके हृदय में परमात्मा का वास देखते हैं। इसको परमात्मा को प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं, भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तो वो ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञान है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान क्या है, भगवान का या श्री भगवान कृष्ण, कृष्ण का ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है ना, कृष्ण के जन्म कर्म, उनकी लीलाएं, इनका स्मरण करना, इनका श्रवण करना, ये ब्रह्म ज्ञान से और परमात्मा ज्ञान से ज्यादा श्रेष्ठ है। तो ये सब प्रभुपाद जी क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि इस श्लोक के पहले क्या है, श्री भगवान वाच, तो श्री भगवान की व्याख्या कर रहे हैं,
भगवद गीता को अगर समझना है तो आपको श्री भगवान ये जो शब्द है इसको समझना होगा। श्री भगवान शब्द का अर्थ क्या है? श्री भगवान जो है निर्विशेष ब्रह्म है, से श्रेष्ठ है और अंतर्यामी परमात्मा से भी श्रेष्ठ है। तो ये जो है श्री भगवान है। आगे श्रीमद् भागवत में 1:2:11 परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानं अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है और ये सब अवस्थाएं 1 रूप हैं। ये ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। एक ही परम सत्य एक ही है, लेकिन हम कितनी दूरी से देखते हैं है? उस पर निर्भर करता है ना। तो आगे प्रभुपाद जी समझाएंगे उदाहरण दे करके है? जैसे किसी पहाड़ को आप देखते हैं बहुत दूर से देखते हैं तो वही पहाड़ आपको एक धब्बा जैसा दिखाई पड़ता है, और निकट आते हैं उस पहाड़ के तो आपको पहाड़ दिखाई देता है और बहुत से पेड़ दिखाई पड़ते हैं। तो और निकट जाते हैं पहाड़ के तो आप पहाड़ पर चढ़ते हैं तो आपको पहाड़ भी और पेड़ भी दिखाई पड़ते हैं और बहुत से पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं घास पत्ते सब दिखाई पड़ते हैं। तो वो ज्यादा पूर्ण ज्ञान है जब आप पहाड़ में पहुंच गए है ना। तो उसी प्रकार से भगवान का ही अधूरा ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्योति उनके शरीर से निकला हुआ प्रकाश। और भगवान का उससे थोड़ा ज्यादा ज्ञान परमात्मा के रूप में है कि सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी परमात्मा है। लेकिन भगवान का ज्ञान संपूर्ण है क्योंकि भगवान के शरीर से निकला हुआ जो प्रकाश है वही ब्रह्म ज्योति है और भगवान का ही विस्तार है परमात्मा है सब प्राणियों के हृदय में है ना। जो व्यक्ति भगवान को जान ले तो वो ब्रह्म को और परमात्मा को अपने आप जान लेगा है कि नहीं। जब आप पहाड़ में चढ़ गए तो आप वो जो धब्बा दिखाई पड़ रहा था दूर से आप समझ सकते हैं कि यही वही है पहाड़ी है ना। और जो पेड़ पौधे दूर से दिखाई पड़ते थे उनको आप और पास से देख रहे हैं है ना। तो उसमें फिर किसी प्रकार की कमी नहीं है ना। इसलिए आगे प्रभुपाद समझा रहे हैं इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। यथा धूप यानी प्रकाश सूर्य की सतह है तथा सूर्य लोक स्वयं है। 3 प्रकार से आप सूर्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे आप इस कमरे में बैठे हैं दिन के समय में ये लाइट नहीं जलती और यहां पर प्रकाश दिखाई पड़ता है ना। तो आप अगर कहते हैं कि भाई ये सूर्य है हाँ ठीक है, लेकिन ये सूर्य का ज्ञान बहुत अधूरा है कि नहीं। बिल्कुल आपको सूर्य का ज्ञान तो हुआ क्योंकि आप प्रकाश देख रहे हैं लेकिन अधूरा ज्ञान है। लेकिन जैसे आप मंदिर के दरवाजे से बाहर निकलते हैं खुले आकाश में देखते हैं तो सूर्य का मंडल चमक रहा है, आप कहते हो ये सूर्य है, तो आपको ज्यादा ज्ञान हुआ सूर्य का क्योंकि प्रकाश भी आप देख रहे हैं और सूर्य का मंडल भी देख रहे हैं, ज्यादा ज्ञान हुआ। लेकिन अगर आप सूर्य के लोक में पहुंच जाएं, सूर्य लोक में पहुंच जाएं, सूर्य देवता को देखें आप, तो आपको पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ है ना। इसको प्रभुपाद समझा रहे हैं जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह 9 सिखिया है। 9 सिखिया मतलब बहुत थोड़ा ज्ञान है, बहुत थोड़ा ज्ञान है, बिल्कुल 9 सिखिया उसको सूर्य का बहुत थोड़ा ज्ञान है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। शास्त्रों से पता चलता है कि सूर्य लोक है क्या, एक बहुत बड़ा रथ सूर्य का जो कि मानसोत्तर पर्वत पर वो रथ चल रहा है, उस रथ के 7 घोड़े हैं है? और अरुण नाम का सारथी है और सूर्य देवता उस रथ पर विराजमान है ना। तो कोई भी अगर हम शास्त्रों के द्वारा ये जाने सूर्य का ज्ञान तो ये ज्यादा संपूर्ण है
आगे जो नौ सिखिया सूर्य प्रकाश उसकी विश्वव्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। ये ब्रह्म ज्ञान है ना। तो कभी कभी इसी ब्रह्म ज्ञान को ही बहुत महत्व दिया जाता है, जैसे कि एक श्लोक है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये लोग मतलब गाते हैं, ये श्लोक गाते हैं, मतलब जिस व्यक्ति ने अखंड मंडल के आकार का जो तेज है, प्रकाश है, वो देख लिया है, जिसे चर अचर संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस गुरु को नमस्कार है। तो ये जो है ब्रह्म ज्ञान है। आगे, जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। तो जिसको परमात्मा का ज्ञान हुआ उसको ब्रह्म का ज्ञान तो अपने आप है, पहले से ही है, लेकिन लेकिन भगवान भगवान को वह नहीं जानना है। आगे, जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। परम सत्य का साक्षात रूप को क्या है? कृष्ण है, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमं भगवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, है ना। ये परम सत्य है श्री कृष्ण। आगे, अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता, फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। कितना अच्छा बताया प्रभुपाद ने कि वो सूर्य का ही अध्ययन है, है? अगर आप यहाँ कमरे में बैठ करके भी सूर्य के प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं, है ना, आप देख रहे हैं कि देखो बराबर प्रकाश फैला हुआ है सब जगह, तो ये भी सूर्य का ही अध्ययन है, सूर्य से अलग नहीं है, है ना। और जो व्यक्ति सूर्य का अध्ययन कर रहा है आकाश में, जो सूर्य मंडल चमक रहा है ना, तो भी सूर्य का ही अध्ययन कर रहा है। और तीसरा व्यक्ति जो सूर्य के रथ को जानता है, सूर्य के रथ का वर्णन शास्त्र में पढ़ता है, वो भी सूर्य का अध्ययन कर रहा है, लेकिन वो ज्यादा पूर्ण है, ज्यादा निकट है। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यास देव के पिता पराशर मुनि ने की है। अब देखिए, इसी भगवान की व्याख्या अभी तक चल रही है, अभी प्रभुपाद श्लोक में नहीं आए। भगवान ने श्लोक में क्या कहा अभी तक प्रभुपाद ने इस बात को नहीं समझाया, लेकिन भगवान भगवान को समझो, जो बात भगवान कह रहे हैं उसको समझने के लिए पहले आपको भगवान को समझना पड़ेगा कि भगवान कौन है। जैसे कोई व्यक्ति है, जब आप जानते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है तो फिर उसकी बात का महत्व करेंगे, महत्व देंगे, उसकी बात को आप सुनेंगे। कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है तो फिर उसकी बात भी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए प्रभुपाद जी श्री भगवान की व्याख्या कर रहे हैं। तो श्री भगवान की व्याख्या एक तो उन्होंने परम सत्य के तीन रूपों के द्वारा की है, जो कि श्रीमद् भागवत में बताया गया है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। अगर दूसरे प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं संस्कृत शब्द भगवान से, संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। भगवान का मतलब क्या है? वान, वान का मतलब होता है जिसके पास हो, क्या क्या हो? भग, जिसके पास भग है उसको कहते हैं भगवान। ठीक
ठीक है ना। जैसे किसी के पास धन है तो उसे कहते हैं धनवान, किसी के पास बल है तो उसे कहते हैं बलवान, है ना। और भाग्य, जिसके पास भाग्य उसको भाग्यवान, धैर्यवान, किसी के पास धैर्य है, हाँ, गुण है किसी के पास तो गुणवान, है ना, तेज है तेजवान, रूप है रूपवान, है कि नहीं। तो इस प्रकार से वान का मतलब क्या हुआ, जिसके पास हो है? तो भगवान का मतलब क्या हुआ, जिसके पास भग है। और भग छह प्रकार के हैं, भग का मतलब छह प्रकार के ऐश्वर्य है। क्या है, पहला है धन, दूसरा बल, तीसरा यश, चौथा सौंदर्य, और पांचवा त्याग, और छठवां ज्ञान, ज्ञान और वैराग्य, ठीक है ना। वैराग्य या त्याग एक ही चीज है, जो भी हो हमने दूसरे प्रकार के क्रम से बताया। तो ये छह प्रकार के भंग हैं। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार ये नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन शक्ति आदि है। तो आप किसी व्यक्ति को भगवान कह सकते हैं अगर उसके पास बहुत धन है, किसी को कह सकते हैं, या किसी के पास अगर बहुत बल है तो आप उसको भगवान कह सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि जिसके पास संपूर्ण हो, संपूर्ण धन संपूर्ण बल, ऐसा कोई नहीं है। आप देखेंगे कि उसके अंदर कमी है, वो कमी का अनुभव कर रहा है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, न तो कोई उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। ईश्वर परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्म संहिता 5:1, ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का पहला श्लोक है। क्या, ईश्वर परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेक अनेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। ब्रह्म संहिता का एक श्लोक को उद्धृत किया प्रभुपाद जी ने, कृष्ण को परमेश्वर सिद्ध करने के लिए। और श्रीमद् भागवत में भी एक श्लोक है, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की हैं, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। भागवत प्रथम स्कंद 3 अध्याय श्लोक संख्या 28। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। प्रभु जी क्या बता रहे हैं कि भगवान ही परमात्मा के भी कारण है और ब्रह्म के भी कारण है। सर्व कारण कारणम, संपूर्ण कारणों के कारण कृष्ण है, है ना। तो आप समझ रहे हैं परमात्मा, आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण परमात्मा के कारण है, कैसे कह सकते हैं, कौन बताएगा? भगवान कृष्ण परमात्मा के कारण है कैसे बताएंगे? उनके पास सारा ऐश्वर्य धन नहीं, परमात्मा के भी कारण है भगवान कृष्ण, इसको आप कैसे कह सकते हैं? ईश्वर पदम कृष्ण नहीं, वो तो है, लेकिन परमात्मा के कारण किस प्रकार से आप समझा सकते हैं, कैसे? क्योंकि भगवान कृष्ण का ही विस्तार है परमात्मा, है ना। भगवान कृष्ण ने ही अपना विस्तार सब जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में किया है, अपना विस्तार किया है। हम तो नहीं कर सकते अपना विस्तार कि मैं यहाँ बैठा हूँ और इनके साथ बैठ जाऊँ, उनके साथ बैठ जाऊँ,
नहीं, लेकिन भगवान अपने धाम में रहते हैं, गोलोक धाम में, ये सब जीवों के साथ भी अपना एक विस्तार कर देते हैं, तो सब जीवों के साथ में एक एक परमात्मा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं यहां भी बैठा हूं व्यासन पर और हर व्यक्ति के साथ भी बैठ जाऊं, एक एक बन करके हो जाऊं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन ये विस्तार भगवान करते हैं, तो वो परमात्मा है, उनका विस्तार है। और मूल रूप में जो भगवान है वो अपने धाम में नित्य लीला में मग्न है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि भगवान परमात्मा के भी कारण है। अच्छा, और भगवान को आप ब्रह्म का कारण भी कह सकते हैं। कैसे? ब्रह्म ज्योति जो सर्वत्र व्याप्त है, चेतन शक्ति, उसके भी कारण कृष्ण है, ये आप कैसे कह सकते हैं? हाँ, क्योंकि भगवान के शरीर से निकला हुआ जो प्रकाश है यही ब्रह्म ज्योति है ना। किस तरह से ब्रह्म के परमात्मा के दोनों के कारण भगवान है। आगे, भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा सज्जनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अब यहां पर प्रभुपाद इस श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं, अब इस श्लोक की व्याख्या क्या कर रहे हैं? इस श्लोक में कहा गया है, देखिए इस श्लोक देखिए, भगवान कह रहे हैं कि कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमेशम उपस्थितम, विषम स्थल पर, ऐसे स्थान पर, ये तुमको अज्ञान, ये तुम्हारे दिमाग में कूड़ा करकट कैसे आ गया? विषम स्थान पर, विषम स्थान, विषम है मतलब ऐसा स्थान नहीं है कि यहां शोक किया जाए। कहते हैं ना भाई, ये रोने की जगह नहीं है, है ना। आपको भी सोचना समझना चाहिए, अगर अगर रोना भी है तो आपको देखना चाहिए कि कहां पर आप हो। रोना भी है, अगर अगर शोक करना है, दुख मनाना है, तो उसका भी कोई समय होता है, कोई स्थान होता है। ये नहीं हो सकता है कि आप किसी भी जगह आप रो, है ना, लोग क्या कहेंगे, कैसे लोगों के बीच में है, विषम। तो चूंकि भगवान कह रहे विषम स्थल पर, ये तुमको ये अज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, ये ठीक नहीं है, है? तो यहां पर चारों तरफ क्या है, लोग युद्ध के लिए तैयार हैं, और यहां पर तुम जो है ना अब सोच रहे हो कि युद्ध ना करूं, कितनी शर्म की बात। सोचो, भगवान ये कह रहे हैं कि कितनी शर्म की बात है, ये तुम्हें शर्म आना चाहिए, है? कैसे है? और प्रभुपाद जी दूसरी बात और क्या कह रहे हैं कि ये जगह शोक करने की नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान है वहां पर, है? शोक मोह है भय अपहार, जहां पर भगवान है वहां पर शोक नहीं हो सकता, वहां पर मोह नहीं हो सकता, है? कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार, है? कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार है, जहां कृष्ण वहां माया नहीं हो सकती। तो ये जो माया मोह है जो तुम्हें प्राप्त हुआ, है? ये मेरे होते हुए ये कैसे प्राप्त हुआ? जैसे सूर्य के होते हुए अंधकार कैसे आया, है? सूर्य के होते हुए अंधकार कैसे आया, ये भगवान मतलब बता रहे हैं उसी प्रकार से कि मेरे रहते हुए तुम्हारे हृदय में इतना ज्ञान कैसे आया। ऊपर ऊपर समझा रहे हैं कि भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा सज्जनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है, बहुत बिल्कुल शोभा नहीं देता। चलो ठीक है, सज्जनों के बीच में अगर कोई शोक करे अपने सज्जन संबंधियों का तो ठीक है ना, लेकिन अगर आप मान लो प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाओ और वहां पर आप शोक करो, हाँ, अपने भाई के लिए, अपने लड़के के लिए, है ना, तो कितना खराब लगेगा। तो इतने बड़े व्यक्ति से मिलने गए हो, है ना, तो आप बात करो उनसे जो काम की हो, जो उनसे संबंधित हो, है ना। अब ये थोड़ी कि वहां पर जा गए प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए, एक मिनट का अपॉइंटमेंट लिया आपने, है? और वहां पर आप बात करो अपने, है? घर की और दुख की बातें करो कि ये हो गया वो हो गया, है ना, ये ठीक नहीं लगता। तो भगवान है ना संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं, उनके सामने अर्जुन क्या बात कर रहा है, छोटी छोटी बातें कर रहा है कि नहीं। जैसे कि बहुत बड़े धनी व्यक्ति के सामने जाकर के आप कहते हैं मेरा एक पैसा गिर गया जेब से, बड़ा दुखी हो रहे हैं, छोटे
जरा से पैसे के लिए आप शोक कर रहे, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति करोड़पति के सामने आप शोक कर रहे, भगवान भगवान के सामने अपने सज्जन संबंधियों का शोक करना उसी प्रकार से एक करोड़पति के सामने एक भिखारी जाए है और शोक करे है कि मेरे चावल के दाने गिर गए जमीन में, वो करोड़पति है ना, कि कितनी कृपणता है, कितना ज्ञान है, कितनी कंजूसी है। अरे करोड़पति है तो आपको तो एक बोरी चावल दे देगा, 10 बोरी चावल दे देगा, जरा से चावल के दानों के लिए तुम क्यों रो रहे हो उसके सामने जाकर के। तो विषमे समुपस्थितम का मतलब यह है कि भगवान के सामने अर्जुन अपने स्वजन संबंधियों का शोक कर रहे जिनकी कुछ भी कीमत ही नहीं, बेकार की चीज। इसी प्रकार से जैसे कोई बच्चा होता है वो रोता है, हैं? कांच के टुकड़े, हैं? कांच के टुकड़ों के लिए रो रहा है, हैं? जबकि उसका पिता बड़ा धनी है, बहुत अमीर है, हीरे जवाहरात का स्वामी है, बड़े बड़े रत्नों का स्वामी है, उसके लिए सामने उसका बच्चा कांच के टुकड़ों के लिए रो रहा है कि मुझे ये कांच के टुकड़े नहीं मिल रहे हैं। कांच के टुकड़ों की कीमत क्या है, हैं? कभी कभी बच्चे हैं वो रोते हैं, हैं? कोई कागज का टुकड़ा अगर उसको नहीं मिलता तो रोता है, और जबकि पिता के पास करोड़ों की संपत्ति है और बच्चा कागज के टुकड़े के लिए रो रहा है। उसी प्रकार से अर्जुन की स्थिति है यहां पर, भगवान के सामने रो रहे हैं किनके लिए, अपने स्वजन संबंधियों के लिए। जो स्वजन संबंधी है ये जो है अनित्य है, तो इस प्रकार से जो है जब भगवान कह रहे हैं कुतः, तो प्रभुपाल लिख रहे हैं अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। कुतः मतलब कहां से अज्ञान आया, कुतः आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। भगवान इसने क्या कहा, अनार्य दुष्टम, अनार्य मतलब जो आर्य नहीं है, आर्य किसी व्यक्ति को जो है ना आर्य जब कहा जाता है तो उससे सम्मान प्रकट होता है। किसी व्यक्ति को अगर हम कहें आर्य, हे आर्य आप बैठिए, हे आर्य आप उठिए, तो आर्य शब्द जो है वो सभ्य व्यक्ति का है जो कि मनुष्य के जीवन का महत्व समझता है, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य समझता है, है? और अनार्य मतलब उल्टा हुआ, जो मनुष्य के जीवन का महत्व नहीं समझता है और केवल खाना सोना भोग करना सुरक्षा करना बस इन्हीं चीजों को जो है वो समझता है, जीवन का लाभ इससे ज्यादा नहीं समझता कुछ भी। आगे देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, नते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कि वे नहीं जानते हैं कि स्वार्थ की गति विष्णु है, इसको नहीं जानते, अपना स्वार्थ उन्हें जानते, अपने स्वार्थ जरूर सोचते हैं लेकिन अपने स्वार्थ को जानते नहीं, अपने स्वार्थ की गति विष्णु। आगे वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था, उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। अब देखिए जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति में सहायता नहीं मिलेगी, इसलिए भगवान ने क्या कहा, अस्वर्गम, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। कोई व्यक्ति अगर आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता है तो स्वर्ग प्राप्त करता है, अगर उसको मुक्ति नहीं मिलती है तो कम से कम स्वर्ग में जाता है ना। स्वर्ग की प्राप्ति भी कुछ
मनुष्य के जीवन की उन्नति है। तो इसलिए प्रभुपाद जी स्वर्ग की प्राप्ति को क्या कह रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति। तो ना तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और फिर भगवान ने क्या कहा, अस्वर्गम के बाद अकीर्ति करम, मतलब कीर्ति की प्राप्ति नहीं होगी। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ना ही इससे संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। बहुत से लोग हैं मरने के बाद तो नरक में जाते हैं, लेकिन इस जीवन में बहुत ख्याति पा लेते हैं, है ना। बहुत से लोग हैं इस जीवन में बहुत ख्याति पा लेते हैं, लेकिन मरने के बाद कोई नहीं जानता है तो नरक में कैसी यातनाएं भोग रहे हैं। लेकिन इस जीवन में वो महात्मा बन जाते हैं, बड़े महात्मा, सब लोग उनको महात्मा बोलते हैं। लेकिन वे महात्मा जी नरक में कैसे सड़ रहे हैं कोई नहीं जानता है। लोग महात्मा कह करके उनका खूब गुणगान करते हैं, यशोगान करते हैं, इस बात को कोई समझता नहीं। लेकिन भगवान तो कह रहे हैं कि इससे तुम वो भी नहीं प्राप्त कर पाओगे, तुमको वो ख्याति भी प्राप्त नहीं होगी। आगे भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने सुजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। तो ये है, सबसे पहले ही भगवान ने अर्जुन की जितनी बातें हैं उन सबका खंडन कर दिया, सब काट दिया। ये जरूरी है, अगर उपदेश देना है किसी व्यक्ति को, है ना, सही से कि उसको समझ में आए बोल रहा है और आप उसी में जोड़ते जा रहे हैं, खिचड़ी मत बनाओ। भगवान ने ऐसा नहीं किया कि तुम जो कह रहे हो वो भी ठीक है और जो मैं बता रहा हूं उस पर भी विचार करो, खिचड़ी नहीं है। अगर हम ऐसा करें, कोई व्यक्ति कुछ कहता है हाँ ये भी ठीक है लेकिन कृष्ण भी भगवान है, नहीं नहीं, जो अज्ञान है उसको पहले बिल्कुल मिटाओ। तुम्हारे दिल में जितना है वो सब अज्ञान है, इसको छोड़ो, ये गलत है, बेकार है, कूड़ा करकट, तब है ना। ऐसा नहीं है कि आपके बर्तन में गोबर भरा है उसी के ऊपर मैं खीर डाल दूं, लो खाओ, नहीं। आपके बर्तन का गोबर है वो साफ किया जाएगा, है, और शुद्ध किया जाएगा, तब खीर देंगे आपको खिलाने के लिए, खाने के लिए। ऐसा तो नहीं होता है कि आपके बर्तन में गोबर भी भरा है उसी में खीर डाल दी, लो खाओ, नहीं। इसी प्रकार अर्जुन के दिमाग में गोबर भरा है और गीता का ज्ञान भगवान अर्जुन को देना चाहते हैं तो गोबर को निकालना है ना। इसलिए भगवान अर्जुन की जितना अज्ञान उसको हटाए, हटाओ इसको, छोड़ो इसको। जब तक ये दिमाग में भरा रहेगा तुम्हारे ये विचार, तुम ये ज्ञान नहीं समझ पाओगे। जैसे एक घटना बताई जाती है, एक चींटी है, है? तो वो चीनी के पहाड़ में रहती है, और एक चींटी है वो नमक के पहाड़ में रहती है। तो चीनी के पहाड़ वाली जो चींटी है वो नमक के पहाड़ में रहने वाली चींटी से कहती है कि देखो बहुत मीठा है वहां, तो मेरे स्थान में चलो। तो जो नमक के पहाड़ वाली जो चींटी थी वो आई चीनी के पहाड़ में, उसको मीठा नहीं लग रहा है। तो चीने के पहाड़ वाली चींटी कहती है क्या स्वाद मिला तुमको मिठाई का? बोले नहीं मुझे स्वाद नहीं मिला। तो उसने देखा कि जो कह रही थी चींटी कि मुझे स्वाद नहीं मिल रहा है उसके मुंह में एक नमक की डली है। उसने कहा अरे फेंक इसको, मुंह में नमक की डली उसने रखी हुई है, अब चीने का स्वाद कैसे लेगी, है ना। तो उसी प्रकार से अर्जुन जो है अपने अज्ञान को पकड़े हुए है, हैं? तो ये ज्ञान कैसे ग्रहण कर सकते हैं, भगवद गीता का ज्ञान कैसे ग्रहण कर सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है अज्ञान मिटाया जाए। इसलिए जो कुशल आचार्य होते हैं तो वे शिष्य के अज्ञान को पहले देखते हैं कि कितना ज्ञान भरा है, और ये जो अज्ञान है इसको निकालो, ये भी विचार निकालो, ये भी विचार, ये भी गलत है, ये भी गलत है, खंडन करता है। इसलिए जो आचार्य हैं वो हमेशा खंडन करते हैं, पहले अज्ञान का खंडन। अब ये मायावादी विचार है, है ना, तो प्रभुपाद इसका खंडन करते जा रहे हैं। भगवद गीता में तो
ऐसी स्थिति नहीं है कि अर्जुन के दिमाग में मायावादी विचार थे, लेकिन लोगों के अंदर गीता की कई प्रकार की टीकाओं के द्वारा मायावादी विचार भर गए। तो इसलिए भगवान जो है प्रभुपाद जी जो है, इसलिए तात्पर्य में मायावादी विचारों का खंडन कर रहे हैं। अब इतनी सरल बात है, श्री भगवान कौन है? अर्जुन के सारथी कृष्ण है। तो प्रभुपाद जी इसी पर कितना जोर दे रहे हैं, किसी को समझो, इसको समझो, इसलिए बहुत सी गीता की जो पुस्तकें भी हैं उनमें अर्जुन और कृष्ण का चित्र ना बना करके कि कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, वो गीता ज्ञान समिति इस तरह के नाम से कई प्रकार के उन लोगों ने सोसाइटी बनाई है, लेकिन उसकी किताबों में भी प्रकाश रहता है, केवल खाली प्रकाश रहता है, ज्योति बस, और कुछ नहीं देती। अथवा कहीं पर चित्र देखे, कई चित्र ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि अर्जुन कृष्ण का चित्र तो बना दिया, लेकिन कृष्ण के भी ऊपर ओम एक अक्षर लिख बनाया है और ओम से प्रकाश निकल रहा है कृष्ण को, और कृष्ण उस प्रकाश के द्वारा ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को। ऐसे चित्र देखे आपने, कई जगह देखे, कई जगह ऐसे चित्र होते हैं कि अर्जुन और कृष्ण रथ पर बैठे हैं या खड़े हैं, जैसे भी हो, अर्जुन कृष्ण को ज्ञान सुना रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान आ रहा है उस प्रकाश के द्वारा जो ओम से निकल रहा है प्रकाश। ये मतलब कृष्ण को जो ज्ञान आ रहा है वो निराकार से आ रहा है, जो निराकार ब्रह्म है वो कृष्ण के मुख से ज्ञान बता रहा है। जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी वाले लोग हैं वो यही कहते हैं कि वो निराकार जो ईश्वर है, तो उसको तो शरीर मिलता नहीं, उसका तो शरीर है नहीं, तो बोले कैसे? तो जैसे भूत होते ना, भूत तो वो तो बोल नहीं सकते, उनके पास शरीर नहीं होता है, तो किसी के शरीर में घुस जाते हैं और बोलने लगते हैं। ऐसे निराकार ईश्वर जो है कृष्ण के शरीर में घुस गया और बोलने लगा, है ना? तो ये जो है क्या है, बहुत अज्ञान है। तो ये अज्ञान मिटाना है, कृष्ण से जो है ओम निकला है ना, कृष्ण ओम के भी कारण है, निराकार ज्योति के कारण कृष्ण है। जैसे कि इस बल्ब से प्रकाश फैल रहा है ना, जितना प्रकाश का कारण है वो सब बल्ब है, उसी प्रकार से कृष्ण के द्वारा निर्विशेष ब्रह्म ज्योति है, वो सर्वत्र व्याप्त है। इस बात को समझना, इसलिए प्रभुपाद जी गीता में श्री भगवान उवाच की कितनी व्याख्या की, देखिए अंतिम जो पैरा है उसमें इस श्लोक को समझाया प्रभुपाद ने, लेकिन कितने पैरा हैं जिन्हें प्रभुपाद ने श्री भगवान उवाच की व्याख्या की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 या 7 पैरा जो है केवल इसी बात पर है कि श्री भगवान उवाच का मतलब क्या है। कोई अलग से कोई निराकार जो है ना ज्योति नहीं है जो कि बोल रही हो, तो जो ब्रह्मवादी हैं वो इतना ही समझ पाते हैं कि भाई निराकार ज्योति से कृष्ण का रूप बन जाता है और बाद में कृष्ण फिर निराकार ज्योति में चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मैं कभी कभी वो उदाहरण दिया करते हैं कि पानी में जैसे लहरें पैदा होती हैं, पानी में लहरें पैदा होती है और लहर फिर से पानी में समा जाती है, उसी प्रकार से निराकार ज्योति से अवतार होते हैं, उस निराकार में समा जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये अज्ञान है, इसको छोड़ो, इसको भूलो, गलत है, इसमें भगवान का अपराध हो रहा है। जैसे कृष्णा सीरियल या महाभारत का सीरियल आया था, हाँ बहुत पहले महाभारत का सीरियल आया था, तो उसमें मैंने देखा था टीवी में, तो कृष्ण का जन्म कैसे दिखलाया कि वसुदेव देव की कारागार में है और खिड़की से प्रकाश आया, प्रकाश पुंज जो है खिड़की से आया, उससे कृष्ण बन गए। ये दिखाते हैं, जैसे सूर्य की रोशनी खिड़की से घुसती है ना, ऐसे प्रकाश का पुंज घुसा और उसमें वहीं पर जमीन में एक बालक बन गया, प्रकाश से बालक बन गया। मतलब क्या है, ब्रह्म ज्योति से कृष्ण का शरीर बन गया और बाद में फिर क्या हुआ
कृष्ण का शरीर फिर से ब्रह्म ज्योति में मिल गया, घुल गए। अबुद्धि, ऐसे लोगों को भगवान गीता में क्या कहते हैं, अबुद्धि, इनके पास दिमाग नहीं है। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्न मन्यन्ते माम अबुद्धया, मुझ अव्यक्त को व्यक्त समझते हैं, अव्यक्त से मैं व्यक्त हुआ हूं। जिनके पास बुद्धि नहीं है वो मुझे ऐसा समझते हैं। जब भगवान कहते हैं जो मां मजम अनादिम चा वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ा समर्थेशु सर्व पापे प्रमुचते, वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो इस रूप में मुझको अजन्मा और अनादि मानता है और सब जीवों का महाईश्वर मानता है, अजन्मा भी और अनादि भी। अजन्मा का मतलब है कि भगवान ने किसी से जन्म नहीं लिया, भगवान के कोई माता पिता नहीं है ना। अनादि का मतलब ये है कि ठीक है किसी से जन्म नहीं लिया भगवान ने, ये शायद अपने आप पैदा हो गए हों, अपने आप कोई चीज पैदा हो जाती है बन जाती है, ऐसा भी नहीं। जैसे निराकारवादी कहते हैं कि ज्योति से जो है ना कृष्ण का रूप बन गया, या जैसे पानी से लहर बन जाती है, पानी से लहर बन जाती है अपने आप बन जाती है ना। तो अनादि का मतलब यह है कि ऐसा भी नहीं है कि भगवान अपने आप बन जाते हैं, नहीं, भगवान शाश्वत हैं, अनादि और अजन्मा है। तो इस बात को समझाना। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? भगवान निराकार है, ब्रह्मवादी है, ये कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति में जाके लीन हो जाएगी, देखिए जो पांच प्रकार की मुक्ति है उनमें से सबसे निकृष्ट मुक्ति सायुज्य है। जो वैष्णव जो भगवान के भक्त हैं वो इस मुक्ति को सबसे निकृष्ट मानते हैं, ब्रह्म सायुज्य है ना, या उसको और भी नाम है कैवल्य मोक्ष, कैवल्य मुक्ति वो नरक के समान होती है भक्तों के लिए, लेकिन वे लोग जो है उस मुक्ति को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये जो कैवल्य मुक्ति है निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में जैसे समा जाना, ये तो असुरों को भी प्राप्त हो जाती है जो भगवान से द्वेष करते हैं, शत्रु होते हैं, उनको इतनी आसानी से प्राप्त हो जाती है। भक्त लोग नहीं पाना चाहते इस प्रकार की मुक्ति, कैवल्यम नरकायते। वास्तव में तो वो मुक्ति वास्तव में मुक्ति नहीं है, क्योंकि वो जीवात्मा का जो सूक्ष्म कण होता है ना आध्यात्मिक स्फुलिंग, वो उस प्रकाश में रहता है, एक प्रकाश के कण के समान रहता है, अपने अस्तित्व का अनुभव करता है कि हाँ मेरा अस्तित्व है ना। सत सच्चिदानंद जो जीवन है उसमें सत है का तो उसको आभास होता है, सनातन कि मैं सनातन हूं, मैं कभी मरता नहीं हूं, लेकिन चित्त और आनंद उसमें नहीं है। चित्त का मतलब ज्ञान शक्ति, आनंद मतलब रस है, उसमें प्राप्त नहीं है। ब्रह्म ज्योति में जो है किसी भी जीव को वो रसास्वादन नहीं हो सकता है प्रेम का। आध्यात्मिक जगत के बाहर है, आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक आकाश है, आध्यात्मिक आकाश में जो ब्रह्म ज्योति है उसमें वो रहते हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकते, मतलब आध्यात्मिक लोक में नहीं जा सकते, वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते, वो कभी इसमें से निकलेंगे नहीं। लेकिन चूंकि उनकी फिर भी कुछ कार्य करने की इच्छा होती है, कुछ कार्य करें और भगवान के चरणों की सेवा अगर वो नहीं स्वीकार करते हैं तो इससे फिर से भौतिक जगत में आ जाते हैं है ना, और फिर माया की सेवा करते हैं। तो ऐसे लोग जो है जो मायावादी हैं वो अगर वो निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे तो आगे चल करके फिर से इस भौतिक संसार में जन्म लेंगे है? तो फिर कैसे काम में लग जाते हैं, जैसे कि गरीबों को खाना बांटना है, अस्पताल खुलवाना है, इस तरह के जो लौकिक कार्य हैं उनमें फिर से लग जाते हैं। फिर कब तक वो निष्क्रिय रहेंगे? ब्रह्म ज्योति में निष्क्रिय है मतलब कोई क्रिया नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई सेवा नहीं है, तब तक ऐसे रहेंगे उस ब्रह्म ज्योति में। तो इस तरह से उनको फिर से
इस भौतिक संसार में आना पड़ता है और माया की सेवा करनी पड़ेगी। माया की सेवा करते हैं सत्व गुण में करते हैं, ठीक है, सत्व गुण में अच्छे हैं वो, लेकिन फिर भी वो सेवा करते हैं माया की। भगवत प्राप्ति हो सकती है अगर भक्ति के संग में आ जाए। इसको हम नहीं कह सकते कुछ भी आगे कब हम लौटेंगे, इसको हम नहीं कह सकते। लौटेंगे तो जो भी हो, अब करोड़ों करोड़ों कल्पों के बाद हम लौटे हैं, है ना, तो क्या फायदा। अच्छा यही है कि हम जल्दी लौटें, आगे सब जीव लौटेंगे, है ना, ये क्यों सोचते हैं ऐसा। अगर आपको जो है मकान में आग लगी है और आप जो है ना उसके अंदर हैं, तो आप क्या चाहते हैं, जल्दी निकलें बाहर, ठीक है, हाँ एक घंटे के बाद तो हमको जाना ही है बाहर। आग लगी है मकान में या आप पानी में डूब रहे हैं, है ना, तो आप कहें निकालो, आपसे कहा जाए एक घंटे बाद आपको निकाला जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा। आप पानी में डूब रहे हैं, आपको कहा जाए एक घंटे बाद आपको निकाला जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा। नहीं जल्दी निकालो, एक मिनट नहीं जल्दी तुरंत निकालो, तुरंत। ये भव सागर है, भव सागर में अगर हम लोग हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि एक दिन तो एक साल के बाद निकलेंगे, दो साल बाद निकलेंगे, नहीं। जो व्यक्ति सागर में डूब रहा है, जिसको ज्ञान हो जाए, तो तुरंत ही निकलना चाहता है, तुरंत। कुछ निश्चित नहीं ना, कोई काम आपसे कहा जाए कि ये करो प्रभु जी, है ना, आप हाँ करेंगे जरूर, एक दिन जरूर करेंगे। अब एक साल बाद करोगे या दस साल बाद करोगे कुछ पता नहीं, भैया ना करो तुम, ऐसे क्या फायदा। आप छोटा सा काम हमने कहा ये कर दो प्रभु जी, हाँ जरूर करेंगे। अब क्या पता तुम एक दिन में करोगे, एक महीने में करोगे, एक साल में करोगे या दस साल में करोगे, कुछ पता नहीं। तो इससे अच्छा क्या है, ना करो। तो ये कोई बात नहीं है कि जितने जीव हैं सब एक दिन तो लौटेंगे भगवान के धाम में, ये कोई बात नहीं हुई। क्योंकि जब यहां पर घोर कष्ट हो रहा है, घोर कष्ट मिल रहा है ना, तो हम तो जरा भी तकलीफ नहीं भोगना चाहते। यहां कितनी तकलीफ हो रही, आपके सिर में दर्द हो रहा है, तो कोई कहे चिंता ना करो एक दिन तो ठीक हो जाएगा सिर दर्द, आप कहते हैं अरे मुझे तुरंत मुझे ठीक करना है सिर दर्द, जल्दी दवाई दो है? कोई अरे अरे एक महीने के बाद तो ठीक हो जाएगा सिर दर्द, आप क्यों दवाई खाते हो, ये कोई बात हुई। एक साल के बाद सिर दर्द ठीक हो जाएगा, कोई बात हुई नहीं। आपको दर्द हो रहा है, जल्दी मुझे दवाई दो, दर्द मेरा ठीक हो जल्दी। इस तरह से नहीं, संसार कुआं है, कुआं, कोई व्यक्ति कुआं में गिर गया है ना, तो ये नहीं होता है एक घंटे बाद उसको निकाला जाए, उसको तुरंत निकालो भाई, कुएं में गिरा, बहुत खतरा है, बहुत खतरनाक जगह है, कुछ निश्चित नहीं है तब। और जब आखिर एक दिन हमको भगवान के शरण में आना ही है और कोई उपाय है नहीं, तो हम क्यों ना तुरंत लें। भगवान के बहु नाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान माम प्रपद्ये, जो भी ज्ञान का अनुशीलन करता है वो कई जन्मों के बाद में मेरे शरण में आता है। तो प्रभुपाद कहते हैं तो अभी से क्यों ना शरण ले लें कृष्ण की, सीधे कई जन्मों के बाद अगर कृष्ण की ही शरण लेनी है तो अभी से अभी तुरंत क्यों ना ले लें कृष्ण की शरण। गीता का ये मतलब है, गीता का ये उद्देश्य नहीं है कि कई जन्मों के बाद आप कृष्ण की शरण लो। भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान का अनुशीलन करते हैं और जब उनको सही ज्ञान आ जाए तो मेरी शरण में आएंगे, कई जन्मों के बाद आएंगे। इसका यह मतलब नहीं सोचना कि हम भी कृष्ण की शरण कई जन्मों के बाद लेंगे, नहीं। कृष्ण ये चाहते हैं कि तुम जो है तुरंत ले लो कृष्ण की शरण, अगर लेना ही है कृष्ण की शरण ही आना है। जैसे कि आपसे कहा जाए भाई इधर इस रास्ते जाओगे तो भी पहुंचना यहीं पर है, उस रास्ते जाओगे तो भी यहीं पहुंचना है, अगर आप बुद्धिमान हो तो आप तुरंत ही सीधे पहुंच जाओ उस स्थान में, क्यों इतना लंबे चक्कर लगा रहे हैं। भगवान ने बहुत से लंबे लंबे रास्ते बता दिए हैं भगवत गीता में, लेकिन आखिर क्या कहते हैं कि अगर उस सब का जो लाभ है अगर पाना चाहते हो
तो मैं यहां पर हूं, मेरे शरण में आ जाओ, सीधे कृष्ण के शरण में आ जाओ। मन मना भव मद भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरो, मेरे मन वाला हो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। अगर ना भी जाने कृष्ण को भगवान, और तो भी अगर आप कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, कृष्ण को मित्र मान रहे हैं, कृष्ण को पुत्र मान रहे हैं, तो भी इसमें पूरा लाभ है। और इससे कुछ फायदा नहीं होगा कि जो भगवान नहीं है उसको आप भगवान मान रहे हैं, किसी देवता को भगवान मान लिया है ना, उसकी पूजा कर रहे हैं, उससे लाभ नहीं होगा। लेकिन भगवान को अगर भगवान ना भी जानो और भगवान से प्रेम करो या भगवान में आसक्ति बढ़ाओ, तो आपको पूरा लाभ मिल जाएगा, क्योंकि वो भगवान है। जैसे दवाई है, आप खाओ, जान कर खाओ या अनजान में खाओ, दवाई अपना काम करेगी। कृष्ण को आप भगवान मानो या ना मानो, कृष्ण मन को लगाओगे तो आपको लाभ हो जाएगा। और जहर को आप अगर दवाई मान लोगे तो भी उसको खाओगे तो वो जहर का काम करेगा, तो जहर है। किसी भी देवता को भगवान मान लिया, किसी मनुष्य को भगवान मान लिया, उसकी पूजा करते हैं, उसमें मन लगाते हैं, उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा, संसार बंधन होगा। लेकिन भगवद गीता में हम कृष्ण को भगवान क्यों समझ रहे हैं, इससे सहायता मिलेगी कि हम अपना मन कृष्ण में लगा सकें। ये ज्ञान सहायता करेगा हमको कि कृष्ण भगवान है। और कोई प्रश्न किसी का आपका? आपने कहा था कि रोने का एक समय होता है अपना दुख करने का, अगर हम अपना भगवान के सामने अपना दुख बताएंगे तो भगवान के सामने में तो दुख बताना चाहिए कि नहीं इनके सामने कि नहीं? हाँ, इनका प्रश्न है, इनका प्रश्न है कि यहाँ पर हमने कहा कि भगवान के सामने रोना ये ठीक नहीं है, और ये भी हमने कहा कि भगवान के सामने ही हमें रोना चाहिए। दोनों बातें सही हैं, भगवान के सामने रोना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, हरि बोल हरि बोल। अभी आप लोग थोड़ा शांत रहो, आप इसमें अपराध होता है ना, सुनो केवल, अभी श्रवण करने का समय है, अभी बातचीत करने का समय नहीं है। तो यहाँ पर जो विषम स्थल पर जो अर्जुन शोक कर रहे हैं भगवान के सामने, मतलब कहने का यह है कि हम जब भगवान के सामने रोएं तो दुनिया के सामने ना रोएं, मुख्य चीज ये है। यानी यहाँ पर सब लोग हैं और सबके सामने रो रहे हैं, है ना, और यहाँ पर अपनी कायरता प्रकट हो रही है कि नहीं, तो ये ठीक नहीं। हम दुनिया के सामने रोते नहीं और हाथ नहीं जोड़ते हैं, और उनकी खुशामद नहीं करते हैं, है ना। हम भगवान के सामने रोते हैं, भगवान की खुशामद करते हैं, भगवान के हाथ जोड़ते हैं। भगवान ने कहा कि मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे में मन लगाओ, मुझमें आसक्ति करो, है ना। तुम इनमें आसक्ति क्यों कर रहे हैं, इनके लिए तुम क्यों शोक कर रहे हो, है ना। तो यहां पर मुख्य चीज यही है, भगवान के सामने आप जो है ना रो रहे हैं, किस चीज के लिए रो रहे हैं। जैसे हमने बताया कि एक करोड़पति के सामने एक भिखारी है, वो रो रहा है मेरे चावल के टुकड़े गिर गए। एक करोड़पति आदमी के सामने आकर के एक भिखारी कहता है कि मेरे बर्तन में छेद था, थोड़े से चावल के टुकड़े थे, वो गिर गए, मैं क्या करूं। वो करोड़पति है, वो 10 बोरी चावल दे देगा आपको, 100 बोरी चावल दे देगा, उसके लिए छोटे से टुकड़े के लिए आप रो रहे हैं, है ना। अर्जुन रो रहे हैं, किस लिए रो रहे हैं। हमें रोना चाहिए भगवान के सामने, लेकिन क्या बड़ी चीज हमें बड़े व्यक्ति से हमें बड़ी चीज लेनी चाहिए, है ना। जैसे जेल के अंदर अपराधी होता है ना, तो आप सोचिए जेल के अंदर कई अपराधी हैं, हैं? और जो राजा, एक बार राजा जेल का निरीक्षण करता है ना, तो कैदियों से पूछता है तुम्हारी क्या समस्या है, तुम्हारी क्या समस्या है। तो एक कैदी कहता है कि साहब, जेल में हमको जो है चाय ठीक समय पर नहीं मिलती है। राजा कहता है ठीक है भाई, इसको ठीक समय पर चाय दे दिया करो। दूसरा अपराधी से पूछता है तुम्हारी क्या समस्या है, तो साहब हमको टूथपेस्ट ब्रश मिलता नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो राजा कहता है ठीक है भाई, इसको टूथपेस्ट ब्रश दे दो। तीसरा कैदी, उससे राजा पूछता है तुम्हारी क्या समस्या है, तो वो कहता है कि मेरी समस्या ये है कि मैं जेल के अंदर हूं, मुझे जेल से बाहर
निकाल दो, तो ज्यादा बुद्धिमान है ना। राजा कहता है ठीक है भाई, इसको जेल से बाहर निकाल दो, ज्यादा बुद्धिमान है। चौथा व्यक्ति है, उससे जब राजा पूछता है तुम्हारी क्या समस्या है, तो वो क्या कहता है कि महाराज मुझे अपनी सेवा में लगा लो। तो वो जेल से तो निकल ही गया और राजा की सेवा में लग गया, ये ज्यादा बुद्धिमान है ना। तो कोई व्यक्ति अगर मुक्ति भी पाना चाहते हैं, संसार बंधन से मुक्ति भी पाना चाहते हैं और मुक्ति पा लेते हैं, लेकिन भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं, तो फिर से बंधन में आ जाएंगे। वो भी जो अपराधी बुद्धिमान जरूर था कि उसने कहा जेल से बाहर निकाल दो, जेल से बाहर सड़क में आ गया और कुछ काम नहीं मिलता तो चोरी चपाटी करता और फिर से जेल में आता, फिर से जेल में आता। उसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, कुछ बुद्धिमान जरूर रहा लेकिन फिर भी उसका कुछ लाभ नहीं। ऐसी मुक्ति का लाभ क्या है जिसमें भगवान की सेवा ना हो। रोना जरूर चाहिए, लेकिन हमको रोना किस लिए चाहिए, क्या चीज? फिर भी ये रोना योग है, क्योंकि भगवान के साथ रो रहे हैं तो भगवान अज्ञान दूर करेंगे, ठीक है। लेकिन साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि अज्ञान है ये, है? जैसे प्रभुपाद जी निंदा करते ईसाइयों की, ईसाई लोग क्या करते हैं कि गिरजाघर में जाते हैं, है? चर्च में, और क्या कहते हैं, ओ गॉड प्लीज गिव अस अवर डेली ब्रेड, हे भगवान हमको रोज की रोटी दे दिया करो। प्रभुपाद कहते तुम लोग भगवान से क्यों मांगते हो, भगवान तो पहले से दे रहे हैं रोटी, तुमको रोज की रोटी भगवान पहले से दे रहे हैं, भगवान से क्यों मांगते हैं? हमें भगवान से क्या मांगनी चाहिए, अपनी सेवा में लगाओ, सेवा मांग, है ना। और सेवा करोगे तो क्या कमी रहेगी, किसी की कमी रहेगी? कोई व्यक्ति अगर किसी बड़ी कंपनी में अगर काम करता है, नौकरी करता है, तो देखो कंपनी उसको बिना मांगे मुफ्त में मकान देती है, मुफ्त में नौकर देती है, मुफ्त में गाड़ी, सब कंपनी की गाड़ी भी, कंपनी का मकान, कंपनी के नौकर, हैं बंगला, और कितनी सुविधाएं उसको कंपनी की तरफ से मिलती है। सोचो बड़ी कंपनी में कोई व्यक्ति अगर कुछ काम, थोड़ा सा काम मिल जाए तो भी कितनी सुविधा मिलती है। पर भगवान की कंपनी में, अगर भगवान की कंपनी में अगर आप काम करो तो सोचो आपको मांगने की क्या जरूरत है। आप जितना सोचते हो उससे ज्यादा देंगे, आप सोच नहीं सकते जितना देंगे। क्यों मांगते हो, मांगने की क्या जरूरत है? इसलिए एक लेख में हमने ये भी लिखा है कि गोलोक धाम में, भगवान कृष्ण के धाम में, एक कुत्ते को जितनी सुविधा मिलती है वो इस भौतिक संसार में जो है शिव और ब्रह्मा को भी नहीं मिलती। वहां पर एक कुत्ते का भी स्थान अगर मिल जाए हमको, है ना, तो बहुत फायदा है। जैसे किसी बड़ी कंपनी में अगर झाड़ू लगाने वाला, उसको 5,000 रुपया मिलता है तनख्वाह, और छोटी कंपनी में मैनेजर बना है उसको 2,000 मिलता है, छोटी कंपनी, कितना अंतर है। इसलिए हम क्या चाहते हैं, बड़ी कंपनी में झाड़ू लगाने का भी काम मिल जाए तो बहुत फायदा है, बहुत फायदा है, होता है। बड़ी कंपनी में झाड़ू लगाने वाले को भी 5,000 रुपया 10,000 रुपया मिलता है, मिलता है। इसलिए भगवान की अगर सेवा हम मांग लें, प्राप्त कर लें भगवान की सेवा, तो सोचो क्या नहीं मिलेगा। तो हम रोते हैं, हमें रोना चाहिए भगवान के आगे, किस चीज के लिए, हाँ कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ। हरे कृष्ण महामंत्र का जो कीर्तन है वो भी अपने आप में एक रोना है, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं ये रोना है, ये किस प्रकार का रोना है कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए। अगर रो तो बड़ी चीज के लिए रो, बड़े व्यक्ति के सामने आपको बड़ी चीज मांगनी चाहिए, बहुत बड़ी चीज है सेवा। फिर भी इसको भी हम समझ नहीं पाते कितनी बड़ी है, है? वो इस संसार में होता भी नहीं इस तरह का, तो भगवान स्वयं सेवक बन जाते स्वयं, जैसे अर्जुन के भगवान स्वयं रथ हाँक रहे हैं। इस भौतिक संसार में ऐसा संबंध है ही नहीं, इस भौतिक संसार में इस प्रकार का संबंध कभी नहीं होता है मालिक और सेवक के बीच में, कि मालिक जो है सेवक की सेवा करे। यहां पर मालिक रथ हाँक रहे हैं और सेवक जो है ना आदेश दे रहा है मालिक को कि मेरे रथ को यहां ले जाइए, मेरे रथ को आगे बढ़ाइए, मेरे रथ को रोक दीजिए। सेवक मालिक को आदेश दे रहा है और मालिक सेवक का काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो है ही नहीं।
आप सोच भी नहीं सकते इतना। और कोई प्रश्न किसी का? अच्छा आपका दिया है कि भागवत में नाना अवतारों की सूची है, सारे अवतारों की तो भगवान की अंश कलाओं के पूर्ण कलाओं से, अंश कलाओं पूर्ण कलाओं तो अंश कलाओं और पूर्ण कलाओं का क्या अर्थ है? इसमें बताया है कि भगवान के अवतार हैं। एते चांस कलापंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो बहुत से तो भगवान के अंश यानी विष्णु तत्व हैं और कुछ जीव तत्व हैं, मतलब शक्ति आवेश। भगवान की शक्ति का आवेश किसी जीव में हो जाए तो वो भी भगवान का काम कर सकता है, जैसे परशुराम जी हैं। तो ये क्या है? शक्ति आवेश अवतार हैं, एक जीव है, हमारे समान एक जीव है, लेकिन भगवान की शक्ति से उन्होंने क्या काम किया? 21 बार पूरी पृथ्वी में क्षत्रियों का विनाश किया। खैर वो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पर ये है कि ये भी अवतार हैं भगवान के, लेकिन वो जीव तत्व है। भगवान की विशेष शक्ति किसी भी जीव को प्राप्त हो जाए तो वो भगवान के समान काम कर सकता है। तो प्रभुपाद को भी अवतार माना जाता है, लेकिन शक्ति आवेश अवतार। भगवान की जो है जो साहित्य शक्ति है वो प्रभुपाद में है, आ गई, इसलिए प्रभुपाद ने इतना साहित्य लिख दिया। प्रचार शक्ति भगवान की है, प्रभुपाद में आ गई तो प्रभुपाद ने ऐसा प्रचार कर दिया जो कि कोई नहीं कर पाया। तो ये जो है क्या है कि जीव तत्व होते हुए भी भगवान के समान काम करते हैं, तो भगवान ऐसा भी कर सकते हैं। और भगवान स्वयं भी कभी आते हैं, है ना, तो विष्णु तत्व होते हैं, है ना? तो इसलिए अंश और कला बताया गया। कला का मतलब जीव तत्व और अंश का मतलब विष्णु तत्व, है ना। स्वांश और भिन्नांश, स्वांश जो है विष्णु तत्व है और भिन्नांश जीव तत्व है यानी कला है, जीवात्मा भिन्नांश है। व्यास जी हैं वो भी कला है भगवान की, है ना, जीव तत्व है। लेकिन भगवान की जो साहित्य शक्ति है वो उनके अंदर आ गई, जैसे उन्होंने 18 पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, वो भगवान की साहित्य शक्ति है। स्वांश, हाँ, अंश का मतलब स्वांश। और कला का मतलब है जो जीव तत्व है। हाँ, बहुत से जो श्रीमद् भागवत में अवतारों के नाम गिनाए गए हैं वो या तो विष्णु तत्व है या जीव तत्व है। जिस नारद जी को बताया गया, चार कुमार, नारद, है ना, परशुराम, तो जीव तत्व है आपका। अच्छा, पहले इन्होंने हाथ उठाया था। हाँ 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 अर्जुन कृष्ण के मित्र हैं और सुभद्रा कृष्ण की बहन है, तो शादी क्यों की, शादी क्यों नहीं करते? कोई व्यक्ति अपने मित्र की बहन से शादी नहीं करेगा? अगर अर्जुन कृष्ण के मित्र हैं तो कोई व्यक्ति अपने मित्र